नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूं आपके साथ भाग्यश्री। आम आदमी पार्टी नए सीएम के नाम का ऐलान करेगी। पहले विधायक दल की बैठक होगी, जिसके बाद नए सीएम के नाम की घोषणा की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर के लिए रवाना होके हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सुभद्रा योजना का शुभारंभ करेंगे। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के पिता का सोमवार को निधन हो गया है। वो पिछले काफी दिनों से बीमार थे और पटना एम्स में भर्ती थे। फिरोजाबाद के थाना लाइन पार क्षेत्र के लेबर कॉलोनी वार्ड नंबर 48 के बीजेपी पार्षद अलीम भोला को अज्ञात बदमाशों ने दो गोलियां मारी। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर उत्तर प्रदेश में बीजेपी आज से सेवा पखवाड़ा शुरू करेगी। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी के जन्मदिन के अवसर पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी ओर से जन्मदिन की शुभकामनाएं। मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी आयु की कामना करता हूं। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों से बातचीत के बाद पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने उत्तर कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को हटाने का ऐलान कर दिया है। पीएम मोदी अपने जन्म दिवस के दिन आज यानी 17 सितंबर को बनारस, भुवनेश्वर और नागपुर के दौरे पर रहेंगे। पीएम सबसे पहले सुबह बनारस जाएंगे और उसके बाद भुवनेश्वर और आखिर में शाम में नागपुर जाएंगे। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन भी पूरे हो रहे हैं और इसे लेकर बीजेपी मुख्यालय में कई कार्यक्रम होंगे। बीजेपी सेवा पखवाड़ा भी शुरू करेंगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं। शाम को उपराज्यपाल से उनकी मुलाकात होगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हरियाणा दौरे पर रहेंगे, जहां लोहारू और फरीदाबाद में चुनावी रैली करेंगे। उद्धव गुट के सांसद राउत ने कहा कि एनडीए गठबंधन महायुति में सीट बंटवारे में अजीत पवार को 40 सीटें मिलेगी, एकनाथ शिंदे को भी करीब 40 सीटें ही मिलेगी। महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुए ने कहा कि 70-80% विधानसभा क्षेत्रों में सीट बंटवारे पर महायुति गठबंधन के फॉर्मूले को अंतिम रूप दे दिया गया है। मनोज जरांगे की भूख हड़ताल के ऐलान के बाद नवनाथ वाघमारे ने उन पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मनोज जरांगे अनशन के नाम पर सिर्फ ड्रामा कर रहे हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमबीए से हाथ मिलाना चाहती है। पार्टी ने साथ ही मुंबई में जोर शोर से चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। गणपति उत्सव के 8वें दिन 15 सितंबर को लालबाग के राजा दरबार में दान और चढ़ावे की गिनती पूरी कर ली गई है। इस दौरान कुल 73 लाख से अधिक की राशि दान के रूप में मिली है। महाराष्ट्र की सियासत में ठाकरे परिवार से एक और शख्स की एंट्री हो सकती है। वो शख्स है अमित ठाकरे, जो मनसे प्रमुख राज ठाकरे के बेटे हैं। मनसे की बैठक में पार्टी नेताओं ने अमित से चुनाव मैदान में उतरने की मांग की है। आईटी शेयरों में टीसीएस और ऑटो शेयरों में मारुति के शेयर में गिरावट देखी जा रही है और आज की ओपनिंग में शेयर बाजार बिल्कुल सपाट नजर आ रहा है। ओपनिंग के बाद निफ्टी लाल निशान में है। ऐश्वर्या राय को फिल्म पोनी इन सेल्वन के लिए हाल ही में SIIMA बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला है। बॉलीवुड के सबसे एनर्जेटिक एक्टर कहे जाने वाले रणवीर सिंह ने आज से कुछ साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक ऐसी सेल्फी क्लिक की थी, जिसमें एक तो नहीं बल्कि पूरे 13 बॉलीवुड सितारे नजर आए थे। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए NBC News। नमस्कार।